Good afternoon, children. How are you all? I hope you all are fine. Children, from today I am going to teach you English grammar. Okay? And the name of the chapter is The Alphabet. So from today I am starting English grammar. First chapter name, The Alphabet. So about the alphabet, I have already made you understand in your previous class, and I would like to once again make you understand about the alphabet, that in alphabet we can see 26 letters. So when we are writing A, B, C, D, E, F like that till Z, when you are writing, then that is called the 26 letters of alphabet. Out of these 26 letters, 5 are the vowel there, okay? 5 vowels are there, and the name of the vowels are A, E, I, O and U. Okay, there are 5 vowels and 21 consonants are there. Okay, और ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, अल्फाबेट कहलाते हैं. ओके, तो आप देख सकते हो देर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. यानी जब हम अल्फ़ाबेट लेटर्स को लिखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ द अल्फ़ाबेट लेटर्स आर 26. ओके, जिसमें 5 जो है वो वॉवल्स होते हैं. और वॉवल्स क्या होते हैं बेटा, ए ई आई ओ यू. देर आर 5 काइंड्स ऑफ वॉवल्स एंड अदर लेटर्स आर कॉन्सोनेंट. सो द नंबर ऑफ द कॉन्सोनेंट लेटर्स आर 21. ओके, लाइक बी सी डी एफ जी, ऑल दीज आर कॉल्ड द कॉन्सोनेंट लेटर्स. ओके, सो यू कैन सी दैट इन द टेक्स्ट बुक वन एक्टिविटी इज गिवन फॉर यू दैट फिल इन द कॉन्सोनेंट टू कंप्लीट द अल्फाबेट. ओके, सो हियर इज द एक्टिविटी फॉर ऑल ऑफ यू एंड ऑल द वॉवेल लेटर्स आर हाईलाइटेड हियर. आप देख सकते हो काफ़ी बोल्डली जो है यहाँ पे वॉवेल लेटर्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं. तो वॉट यू विल हैव टू राइट, आपको क्या लिखना है, यू विल हैव टू राइट अदर ऑल 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स लाइक बी सी डी, जो भी होते हैं 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स, वो आपको इस बॉक्स में लिख कर कंप्लीट करना है क्योंकि वॉवल्स आर ऑलरेडी रिटन हियर. ओके, नाउ यू मूव टू द नेक्स्ट पेज एंड यू कैन सी दैट ए डिक्शनरी गिव्स अस द मीनिंग ऑफ वर्ड्स. It is true, my dear children, that in the dictionary we get the many word meanings. Okay, and there are many vocabularies. All the vocabularies we can see in alphabetic order. Okay, sequence में सारे जो हैं लिखे हुए होते हैं. हमें जिस letter का okay ढूंढना होता है word meaning, we can find very easily. How you can find very easily, because all the word meanings are written in alphabetical order. Okay, तो हमें जो है word meaning को ढूंढने में problem नहीं आती है. Okay, the words are listed in alphabetical order in dictionary. Like for example, पहले सारे word meaning जो है A letter से होते हैं, then after we can see from the B letter, then after C letter. Okay, तो इसी तरह से till Z we can see all the vocabularies. Okay, so here is also one activity for you, that write these letters in the alphabetic order. Okay, so you can see that the two questions are given for you and all the letters are here rearranged. Okay, all the alphabets are here rearranged. What you will have to do, my dear children, you will have to arrange all these letters in alphabetic order. Okay, जैसे आप देख सकते हो, for example, Q O P T U R S W V. Okay, so all these letters are not written in serial wise. Okay, तो हमें जो है अच्छे से इनको properly जो है क्या करना है, arrange करके ठीक उसके नीचे जो space दिया हुआ है वहाँ पर हमें proper order में लिखना है. तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले we will write O P Q R S T
है ना, लाइक दिस यू कैन कंप्लीट इट। ओके, तो आपको ये दोनों एक्टिविटी जो है इसी तरह से रीअरेंज लेटर्स को प्रॉपरली जो है क्या करना है, अरेंज करना है। नाउ यू कैन सी फिल इन लेटर्स टू हेल्प रीमा नेम द फ्रूट्स, राइट देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, अनदर एक्टिविटी फॉर यू, देर इज अ स्मॉल गर्ल हुज नेम इज रीमा, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, एंड सी हैज गॉन इन द मार्केट विथ हर मदर, एंड सी इज स्टैंडिंग नियर ए ग्रोसरी, एंड सी वॉन्टेड टू बाई डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स। सो द फ्रूट सेलर इज हैविंग मेनी फ्रूट्स, लाइक देर इज चीकूज, एप्पल्स, वाटरमेलन, ग्रेप्स, ऑल दिस फ्रूट्स आर देयर। ओके, सो वॉट यू विल हैव टू डू, वॉट इज द क्वेश्चन फॉर यू हियर, दैट फील इन द लेटर्स टू हेल्प रीमा नेम द फ्रूट्स एंड राइट देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे जो है ये सारे फ्रूट्स नेम को आपको फील करना है, कंप्लीट करना है। आफ्टर दैट यू विल हैव टू कंप्लीट इट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लाइक सबसे पहले हमें एप्पल ए से देखना है कि ए से यहाँ पे कोई फ्रूट नेम है क्या। इफ यू आर गेटिंग एनी फ्रूट नेम विच स्टार्ट्स फ्रॉम ए लेटर, देन यू विल हैव टू राइट एप्पल्स। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एप्पल्स से लिखे हुए, तो एप्पल्स में ए जो है फर्स्ट लेटर आ रहा है आपका, तो हम यहाँ पे जो है ब्लैंक एरिया में जो है एप्पल लिखेंगे। देन वी विल सी दैट इज देर एनी फ्रूट हुज स्टार्ट्स फ्रॉम, विच स्टार्ट्स फ्रॉम द बी लेटर, तो यहाँ पे जैसे बी से बनाना तो होता है, बट हियर देर इज नो बनानाज, तो हमें बी से नहीं लिखना है क्योंकि हमें उसी फ्रूट का नाम लिखना है दैट वी कैन सी इन द पिक्चर। तो नाउ नेक्स्ट वी कैन सी चीकूज, तो वी विल राइट चीकूज, देन आफ्टर ग्रेप्स, मैंगोज, ऑरेंज एंड एट लास्ट वाटरमेलन। ओके, सो इन दिस वे यू कैन कंप्लीट द फ्रूट्स नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज दिस इज द पिक्चर ऑफ जंगल। ओके, एंड यू कैन सी दैट द मेनी डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स आर सिटिंग एंड स्टैंडिंग इन दिस पिक्चर। सो देर आर 26 एनिमल्स आर हियर, एंड वॉट यू विल हैव टू डू, ऑल द एनिमल्स नेम्स स्टार्ट्स फ्रॉम द डिफरेंट अल्फाबेट। ओके, तो हमें पहले यहाँ पे ए नाम के एनिमल को ढूंढना है, तो ए से यहाँ पे विच एनिमल वी कैन सी इन दिस पिक्चर, वी कैन सी द एंट। आप देख सकते हो मैंने फर्स्ट नंबर डाला है एंट, तो एंट इज द एनिमल विच नेम स्टार्ट्स फ्रॉम द ए अल्फाबेट इन दिस पिक्चर, क्योंकि हमें इस पिक्चर में जो एनिमल दिया हुआ है हमें वहीं पे नंबर जो है डालना है फर्स्ट, देन आफ्टर सेकंड, हमें सेकंड लेटर कौन सा होता है, ए के बाद क्या आता है, ए के बाद बी आता है, तो बी से यहाँ पे कौन सा एनिमल का नाम है, वी कैन सी हियर बियर, बियर मीन्स भालू, है ना। देन आफ्टर सी, अब सी से यहाँ पे आपको कहाँ पे कैमल दिख रहा है, इफ़ यू कैन सी कैमल देन देयर यू हैव टू पुट द थर्ड नंबर। ओके, तो इसी तरह से आपको जो है टोटल 26 लेटर्स एनिमल्स नेम दिए हुए हैं, यू विल हैव टू सर्च एंड कंप्लीट दिस वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, सो माय डियर चिल्ड्रन, इन दिस वे योर फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू।